हाय, इस वीडियो के अंदर हम GLC मुंबई के बारे में समझेंगे, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, जो कि अपने आप में एक बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉलेज है जहां से LLB की जाती है। दोनों तरीके की LLB यहां पे अवेलेबल रहती है, चाहे आप 3 ईयर LLB करो या 5 ईयर LLB करो। जैसे कि 5 ईयर LLB करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, और अगर आप 3 ईयर LLB करते हो तो पहले से आपकी ग्रेजुएशन कम्प्लीट होनी चाहिए। तो चाहे आप 5 ईयर करो 3 ईयर करो, यहाँ पे दोनों में ही लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं जिसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, और अगर जब आप एंट्रेंस क्लियर करते हो और आपका मेरिट के थ्रू नाम आता है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। जैसे कि 3 ईयर LLB के अंदर यहाँ पे 300 के अराउंड सीट्स हैं, और जो 5 ईयर LLB है उसके अंदर 250 सीट्स हैं। तो ये जो कॉलेज है ये बहुत ही पुराना लॉ कॉलेज है, लाइक ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज है, पूरे एशिया के अंदर, सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज है। तो ये मतलब 1855 के अंदर बना था, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ की फैकल्टी को भी, बहुत सारी चीज़ें की किस तरीके से LLB कराई जाती है। अब यहाँ के जो अगर आप एल्यूमिनाइज देखोगे तो बहुत यहाँ पे प्रोमिनेंट एल्यूमिनाइज भी यहाँ से निकले हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, यहाँ से आपको सभी तरीके के लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ की LLB को एक बहुत ही अच्छी LLB माना जाता है इंडिया के अंदर, कि आप GLC मुंबई से आप अपनी LLB कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, वो आप चेक कर सकते हैं कि 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं अलग अलग चीज़ों के अंदर, तो वो भी अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा अगर हम एल्यूमिनाई देखें तो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया, फैकल्टी के बारे में देखें तो फैकल्टी भी बहुत अच्छी है जो कि यहाँ से LLB कराती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, उनको एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझाते हैं और आपको जो भी डाउट होते हैं वो सारे आपके डाउट क्लियर करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं। इसके अलावा जितने भी और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे तो चाहे मूट कोर्ट हो, ऑडिटोरियम हो, या और जितनी भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए लॉ करने के दौरान जो भी हमें चाहिए होती हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होती है। लाइब्रेरी होती है जो कि जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हो, और बहुत सारी तरीके की बुक्स हैं जो कि आपको बाकी शायद में भी लाइब्रेरीज के अंदर ना मिले, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आपको बहुत हेल्प होगी अपनी LLB एक अच्छे तरीके से करने में, इन कंपेरिजन टू अगर आप कहीं और से LLB करते हैं। अब ये जो कॉलेज है GLC मुंबई, ये जो है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एफिलिएटेड है, BCI से भी एफिलिएटेड है, तभी यहाँ की वैल्यू है। BCI से अगर कोई कॉलेज एफिलिएट नहीं होता तो वहाँ की LLB की वैल्यू भी नहीं होती। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर आती है ये GLC, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में आती है, तो मैनेज उसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और भी देखो तो बहुत बड़ा कैंपस नहीं है इसका, 4 ही बिल्डिंग्स हैं, मतलब 4 ही फ्लोर्स हैं एक बिल्डिंग के अंदर इसके अंदर, तो उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि ना मिले आपको। तो बाकी अगर आसपास का सराउंडिंग भी देखोगे तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, कि भाई एक बोलते हैं कि पढ़ने लायक एक माहौल जो होता है वो आपको यहाँ पे पूरा मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर एकोमोडेशन की बात करोगे तो हॉस्टल अवेलेबल है, लेकिन हॉस्टल ये ऐसा होता है कि हर बच्चे को नहीं मिल पाता, तो उसके अंदर आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम नंबर ऑफ रूम्स है जो कि आपको अवेलेबल हो पाएंगे। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि हॉस्टल प्रेफर ना करके कॉलेज का वो आसपास में फ्लैट या PG ले लेते हैं, तो वो भी कोई बहुत एक्सपेंसिव पड़ता नहीं है आपकी, मतलब आपको ईजिली आप कर सकते हो, ले सकते हो फ्लैट PG अगर आप बाहर की स्टेट से आ रहे हो, और अगर आप मुंबई से ही हो, वहीं पर रहते हो, आपका रेजिडेंसी वहीं पर है, तो फिर तो आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। और अगर आप फीस की बात करो तो फीस भी बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एड कर रही है इस कॉलेज को, तो यहाँ पे आपकी पर ईयर की फीस जो होती है वो अराउंड 6800 या 7000 ही रहती है, तो बहुत ही बहुत कम फीस है। आराम से आपकी अगर आप 3 ईयर LLB कर रहे हो तो 20-21,000 के अंदर, 22,000 के अंदर आपकी LLB कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कॉलेज की पूरी फीस चली जाएगी। बाकी तो आपके जो एक्सपेंस हैं रहने वहने के वो अलग चीज़ हो जाती है, बट आपकी जो वैसे पूरी फीस वगैरह है वो सारी आपकी पे हो जाएगी, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। और ज़्यादा अटेंडेंस का भी कोई इशू नहीं रहता, तो आप आराम से यहाँ से LLB अपनी कंप्लीट कर सकते हो, चाहे 3 ईयर की करो चाहे 5 ईयर की करो, जब भी आपने अपना डिसीजन लिया LLB करने का, बट यहाँ पे आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो एक ओवरऑल व्यू हो जाता है कि किस तरीके से यहाँ से आप LLB कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी LLB कहलाई जाती है अगर आप यहाँ से करते हो, आपको आगे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, लाइक प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ से, क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट भी होती है, Tier 1 Tier 2 फॉर्म्स आती हैं, कंपनीज आती हैं यहाँ से आपको प्लेसमेंट देने के लिए, और काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है, मतलब हाईएस्ट पैकेज भी अगर आप देखोगे तो 15-18 लाख मिल जाता है, बट ऑन एन एवरेज 7-8 लाख सबको मिल ही जाते हैं, मतलब इजीली अगर आप एक अच्छे से आप पढ़ रहे हो और आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो 7-8 लाख मिल जाते हैं। अब मिनिमम पे तो हम जा नहीं सकते, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना मिल जाता है, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आपको प्लेसमेंट भी हो रही है, आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, और आगे आपका फ्यूचर भी यहाँ से एक तरीके से सिक्योर हो रहा है, आपके लिंक्स बहुत अच्छे बन जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी। सारी तरीके की कमेटीज़ हैं इस कॉलेज के अंदर, आपको जिस भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में है, आर्बिट्रेशन के अंदर है, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों की, एल्यूमिनाई एसोसिएशन है, आपके लिंक्स डेवलप होंगे धीरे धीरे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी।
तो ये है हमारी जीएलसी मुंबई, मतलब यहाँ से आप एलएलबी कर सकते हो और आगे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो अगर आपका एलएलबी करने का बहुत मतलब इंटरेस्ट है तो ट्राई कीजिए कि आपको जीएलसी मुंबई के अंदर एडमिशन मिल जाए। सो आई होप आपको समझ आया हो कि जीएलसी मुंबई क्या है, किस तरीके से एलएलबी कराती है और आपकी काफ़ी हेल्प हुई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।